प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूं। आज बात करेंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन परिचय के संबंध में जानेंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं हैं जो दो देशों की राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। गुरुदेव के जीवन परिचय। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरवारी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। उनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा में 1848 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिजटाउन में पब्लिक स्कूल में नाम लिखवाया। फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु 1880 ईस्वी में बिना डिग्री प्राप्त किए ही स्वदेश पुनः लौट आए। सन 1883 ईस्वी में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। साहित्यिक जीवन। बचपन से ही उनकी कविता, छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 वर्ष की आयु में लिखी थी और सन 1877 ईस्वी में केवल 16 वर्ष की आयु में उनकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई थी। टैगोर ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएँ, यात्रावृंद, नाटक और सहस्त्रों गाने भी लिखे हैं। वे अधिकतम अपनी कविताएं के लिए जाने जाते हैं अधिकतम अपनी पद कविताओं के लिए जाने जाते हैं। गद्य में लिखी उनकी छोटी कहानियां बहुत लोकप्रिय रही हैं। टैगोर ने इतिहास, भाषा विज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ी पुस्तकें भी लिखी थी। टैगोर यात्राविंद, निबंध और व्याख्यान कई खंडों में संकलित किए गए थे, जिनमें यूरोप के जुरिटर पत्रों, यूरोप से पत्र और मनुष्य धर्म, मनुष्य का धर्म शामिल थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनकी संक्षिप्त बातचीत, वास्तविकता की प्रवृत्ति पर नोट बाद के उत्तरार्धी के परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया गया। टैगोर जी के 150वें जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्यों का एक कालानुक्रमिक रविंद्र रचनावली नामक एक संकलन वर्तमान में बंगाली कालानुक्रमिक क्रम में प्रकाशित किया गया है। इसमें प्रत्येक कार्य के सभी संस्करण शामिल है और लगभग 80 संस्करण हैं। 2011 ईस्वी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ अंग्रेजी में उपलब्ध टैगोर के कार्यों की सबसे बड़ी संकलन द एसेंशियल्स टैगोर को प्रकाशित करने के लिए सहयोग किया। यह फकराल आलम और राधा चक्रवर्ती द्वारा संपादित की गई थी और टैगोर के जन्म की 150वीं वर्षगांठ की निशानी है। रविंद्र संगीत। टैगोर ने लगभग 2223 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को
उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। रचनाएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कृतियाँ गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु भोला नाथ महुआ, वनवाणी, परिशेष इत्यादि हैं। सम्मान सन 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ठाकुर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। पुनः सन 1915 ईस्वी में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। सन 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। धन्यवाद।